हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी और टेस्टी कटहल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम कटहल लिया है, 200 ग्राम स्लाइस हुआ हुआ प्याज, 1/3 कप मस्टर्ड ऑयल है, 2 से 3 साबित लाल मिर्च, 1 टीस्पून कैच की लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून बेसन, जो सबसे एंड में हम यूज़ करेंगे। चलिए अब कटहल बनाना स्टार्ट करते हैं। आप गैस को ऑन कर लीजिए और एक कढ़ाई या जिस भी पैन में आप बनाना चाहते हैं उसको गैस पे रख लीजिए। आप नॉनस्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम 1/3 कप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अब मस्टर्ड ऑयल डालते समय जब भी आप यूज़ करते हैं आपको ध्यान रखना है कि वो अच्छे से पक जाए। अगर कच्चा रहा तो आपका खाने का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब ऑयल में जब थोड़ा सा धुआँ निकलने लगे तो थोड़ी देर आप गैस को बंद कर दीजिए। वो निशानी है कि आपका तेल पक गया है। या आप थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के भी चेक कर सकते हैं। अगर बबल्स नहीं आ रहे या झाग नहीं आ रहे, वो निशानी है कि आपका तेल पक गया है। तो फिर से आप गैस को ऑन करिए और मस्टर्ड ऑयल में 2 से 3 आप लाल मिर्ची साबित डाल दीजिए। थोड़ा सा मिर्ची में कलर आने के बाद हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन कुटा हुआ डालेंगे। अदरक लहसुन को थोड़ा सा सौते कर लीजिए, हल्का सा गोल्डन होने लगे तब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब इसमें हम स्लाइस हुआ हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक हल्का सा उसका, एकदम गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है, हल्का सा कलर आ जाए, हल्का सा पिंकिश कलर आ जाए और वो अपना मॉइस्चर लूज़ कर ले। अब प्याज सौते करने के बाद हम इसमें अपना कटहल डालेंगे। कटहल डाल के प्याज और कटहल को अच्छे से सौते कर लीजिए। अब धीरे धीरे सारे बाकी इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब जैसे ही आप नमक डालेंगे आप देखेंगे हल्का सा पानी छोड़ने लगेगी हमारी सब्जी। तो इसको आप थोड़ी देर सौते करिए। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी सारी कुकिंग हल्की फ्लेम पे, एकदम गैस हल्की है, हल्की फ्लेम पे हो रही है। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाएंगे। अब यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबलस्पून्स पानी डाल दूँगी। पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा कटहल लगे ना कढ़ाई में। तो पानी डाल के हम इसको थोड़ा चला देंगे। अब इसको हल्का सा चलाने के बाद हम 1 चम्मच पानी और डालेंगे और फिर से इसको हल्के हल्के चला के आप देखिए मैं कैसे इसको बिल्कुल सेंटर में कर रही हूँ ताकि इसका मॉइस्चर एक जगह रहे। अब पूरा इकट्ठा करने के बाद इसको सेंटर में मैं इसको ढक दूँगी और 10 से 15 मिनट तक हम इसको हल्की फ्लेम पे बनने देंगे। अब 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसको कि हमारा कटहल गल गया है कि नहीं। तो एक बार फिर से इसको मिक्स कर लीजिए। यदि आपका कटहल बन गया हुए पक गया है तब ठीक है, वरना फिर से इसको 5 मिनट के लिए आप ढक के फिर से रख दीजिए। फिर मैं याद दिला रही हूँ आपको, हम हल्की गैस पे ये बना रहे हैं, गैस आपकी एकदम सिम पे है। अब 5 मिनट बाद आप देखिए कितना अच्छा कलर हमारे कटहल में आ गया है। अब हम कटहल में 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और टेस्टी हो जाएगा। बेसन डाल के हम इसको 1/2 से 1 मिनट सौते कर लेंगे ताकि बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए।
और 1.5 से 2 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ी देर इसको ढक भी सकते हैं, उससे और भी स्वाद बढ़ जाएगा। तो देखिए कितने फटाफट हमारा कटहल रेडी हो गया है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए आप फ्रेश हरा धनिया ले लीजिए और उससे आप गार्निश करिए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।